देवभूमि में दैवीय चमत्कारों की कमी नहीं है। ट्रिप इंडिया आज आपको लेकर आया है हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर। मंडी, जिसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, इस शहर में देखने और घूमने को बहुत कुछ है। टूरिस्ट स्पॉट है और मंदिरों की भरमार भी। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मंडी की ऐसी झील जहाँ अध्यात्म है और रोमांच भी। मंडी से करीब 50 किलोमीटर दूर 9100 फीट की ऊंचाई पर बसी है पराशर झील। खूबसूरती और शांति दोनों का अनूठा संगम। पराशर झील के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, इसीलिए ये जगह शांत और लोगों की चहल पहल से बिल्कुल दूर है। इस झील की खासियत है यहाँ की भूशैली। पराशर झील के नजदीक आपको एक भी पेड़ नजर नहीं आएगा। झील के पास के हरे भरे घास के मैदान दिसंबर में पीले पड़ जाते हैं। झील का सबसे बड़ा रहस्य है इसमें बसा टहला, यानी एक चलता फिरता भूभाग। ये टहला इस झील का सबसे छोटा सा द्वीप है जो पूरे साल भर इसमें टहलता रहता है। आप कभी भी यहाँ चले जाइए, कभी ये आपको झील के इस कोने में दिखेगा तो कभी उस कोने में, इसीलिए इसे टहला कहा जाता है। यही टहला इस झील का सबसे बड़ा रहस्य है जिसका पता साइंटिस्ट भी नहीं लगा पाए हैं। झील की गहराई कितनी है ये भी आज तक रहस्य है। कहते हैं सदियों पूर्व एक राजा ने रस्सियों के सहारे इसे नापने की कोशिश भी की थी, लेकिन नाकाम रहे। झील के साथ ही है 3 मंजिला ऋषि पराशर का पगोड़ा शैली में बना सुंदर मंदिर। मंडी के राज परिवार के आराध्य हैं ऋषि पराशर। कहा जाता है इतने बड़े मंदिर को देवदार के सिर्फ एक ही पेड़ से बनाया गया है। कहते हैं मंडी रियासत के तत्कालीन राजा बानसेन ने 14वीं और 15वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन पराशर झील कैसे बनी ये रहस्य कोई नहीं जानता। इलाके के देवी देवताओं को इस पवित्र झील में स्नान करवाया जाता है। यहाँ दर्शन करने का मौका सिर्फ गर्मियों में ही मिलता है। 3 मंजिला इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा आपको यहाँ आकर इसे देखने पर ही लग सकता है। पराशर झील एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बेहतर पिकनिक स्पॉट है। यहाँ ट्रैकर्स की भीड़ साल भर लगी रहती है। सर्दियों में यहाँ की ट्रैकिंग बहुत ही एडवेंचरस होती है, उस दौरान पराशर झील पूरी तरह से जम जाती है।